जननायक जनता पार्टी के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने आज पिंजौर में पूर्व पार्षद सतिंदर टोनी के घर पर दस्तक दी। टोनी ने पार्टी को ज्वाइन करते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए अपना आत्मविश्वास दिखाया। इसी मौके पर वार्ड नंबर 3 के पूर्व पार्षद सुरजीत कौर और उनके पति चमनलाल ने भी जेजेपी का दामन थामा। जोर देश हमारा लगाया गया, उसको करने के लिए पक्का तैयार है भाई साहब। ये इलाका ऐसा पिछड़ा हुआ है, मैं कहना तो चाहता लेकिन बड़ोगे तो आप है, लेकिन इस इलाके का ध्यान रखना बहुत ज्यादा, क्योंकि ये राजनीतिक से पीड़ित इलाका है हमेशा। यहाँ एमएलए अत्यंत लूट कर लेके जैसे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का विकास कोई नहीं कराता। मैं तो आपसे यही बेनती, आप सीएम बनने के बाद इस इलाके का ध्यान रखना। धन्यवाद। दुष्यंत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों से मिला हुआ सहयोग संगठन को मजबूती की ओर ले जाएगा। चौटाला ने कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जवानों के प्रति गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक जॉइंट बैठक के 2 दिन के स्तर में धारा 370 को खत्म किया जाए। डॉक्टर केसी मारे जी एस सी सेल के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक शेरवाल जी, पंचकुला जिला के हमारे शहरी अध्यक्ष गोपी त्याग जी, ग्रामीण अध्यक्ष पाल सिंह जी, आज के इस मीटिंग के आयोजनकर्ता, बहुत ही संघर्षशील आपके सुख दुख के साथी, आपके पार्षद भाई बेटे टोनी जी, उनके साथ आज जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए एक ताकत देने हमारे साथ जुड़े ओम प्रकाश जी, मलिक साहब, तमाम अलग अलग संगठनों को छोड़कर आए वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी और जननायक जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहने, युवा साथी, पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ तमाम साथियों का जिन्हें जननायक जनता पार्टी को एक ताकत और मजबूती देने का काम किया है। इस मौके पर उनके साथ जेजेपी नेता केसी बांगड़, राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक शेरवाल, अनुसूचित जाति प्रदेशाध्यक्ष भाग सिंह, दमदमा जिला प्रधान जेजेपी, पार्टी नेता ओपीसी हाग सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार जेजेपी लोकसभा की 10 सीटों व विधानसभा की 90 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। सिटिंग एमसी बहुत ही मजबूत सतिंदर टोनी जी, उनके साथ ओम प्रकाश जी, यादव साहब, मलिक साहब, जगमोहन जी, अनेक ऐसे साथी हैं जो अलग अलग दलों को छोड़कर पिंजौर के अंदर जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस इलाके के अंदर एक ताकत ही नहीं, एक हमें ऐसा मोमेंटम ये सब साथी देंगे जो आने वाले भविष्य की प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करें। और आज बेहद ज़रूरी था कि हमारे शिवालिक की फुटिल के अंदर भी संगठन को हमें एक ताकत मिले, और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर एक मोमेंटम बना है, चौधरी हर्ष कुमार जी आए, मोहम्मद इलियास जी पूर्व मंत्री हमारे साथ आए, पूर्व विधायक में एक ताकत जननायक जनता पार्टी को देगा जो आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा, 90 की 90 विधानसभा के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। सर, परिवार तो हमारा बन रहा है, इसमें ऐसे साथी भी आए हैं जो पूर्व में कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, जिनने
कांग्रेस के अंदर 40 साल काम किया, जैसे अशोक कुमार जी जो चंद्रमोहन जी के सहयोगी भी रहे जब वो विधायक थे, उसके बाद कांग्रेस के नेता भी रहे, तो ये मोमेंटम तो शुरू हुआ है। आने वाले भविष्य में आप देखें पिंजौर कालका ये जो होटल इसके अंदर भी संगठन रायपुर रानी से लेकर कालका तक और बढ़ गए। कश्मीर के आज हालात और जो पिछले दिनों आतंकवादी हमला पुलवामा में हुआ जहाँ 40 जवानों की जान गई और उसी का रिप्रिकॉशन कल हमें देखने को मिला जहाँ आर्मी का एक मेजर और 3 जवान शहीद हुए, जिसमें हमारे हरियाणा का भी एक वीर सपूत शहीद हुआ है। उनको नमन करते हुए हम भारत की सरकार से ये मांग करते हैं और मैं तो पत्र प्रधानमंत्री को लिखूंगा कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर GST हम पारित कर सकते हैं, हम 10% आरक्षण पारित कर सकते हैं, तो मुझे लगता है देश हित के लिए हम एक होकर धारा 370 को भी एक जॉइंट सेशन के माध्यम से संविधान से हटाना चाहिए। और अब समय आ चुका जो लोग बड़ी बड़ी बातें 56 इंच का सीने की बात किया करते थे, आज समय है कि हमारे जवानों के लिए हम मिलकर ऐसा करें। सर, जवानों के लिए सांसद या विधायक अपना 1 महीने का वेतन ही दे सकते हरियाणा में जैसे पंजाब ने दिया है? मैंने तो खुद कल अनाउंस किया है कि 2,10,000 रुपये CRPF रिलीफ फंड के अंदर हम डालेंगे। अब ये तो विधानसभा के अंदर फैसले की बात है या लोकसभा के अंदर फैसले की बात है कि जॉइंटली ऐसा कदम उठाए थे। मैं धन्यवाद करूँगा पंजाब के सभी विधायकों का क्योंकि नेक नियत के साथ ऐसा कदम। सर, जैसे जननायक पार्टी ट्विंकल स्टार नज़र आ रही है तो सबसे पहले चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले आज जो व्यवस्था के अंदर है वो युवा के लिए रोजगार है और हमारी प्राथमिकता यही है कि हरियाणा के प्रत्येक उद्योग प्रत्येक नौकरी के अंदर 75% हरियाणा के मूल निवासियों के लिए हम रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। आपके इलाके में तो आज HMT बंद होने के बाद कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ी है ये मेरे से अच्छी तरीके से तो आप लोग जानते हैं। आज जब तक आप फैक्ट्रियों में अपने बच्चों को रोजगार नहीं देंगे ना तो प्रदेश में रेवेन्यू आएगा ना प्रदेश की उन्नति। सर, यहाँ 30 सालों से यही लोग उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों प्रत्याशी चाहिए, तो आपका इशारा यहाँ पे किस तरफ हो? अभी तो बोल के हटा हूँ, या तो ये आप लोग डिसाइड कर लो भी हमारी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा या हम पे छोड़ दें।